व्यक्ति जो लॉ ग्रेजुएट है, जिसके पास एलएलबी की डिग्री है, वो व्यक्ति हिमाचल प्रदेश जुडिशियल सर्विसेज के फॉर्म को भरने के लिए एलिजिबल है। और आपकी उम्र 22 साल से लेके 35 साल के बीच में होनी चाहिए। 22 से लेके 35 के बीच में अगर आपकी एज है तो आप इस फॉर्म को फिलअप कर सकते हैं। नाउ द सेकेंड थिंग इज, मैं आपके साथ नोटिफिकेशन यहाँ पे डिस्कस करने वाला हूँ, ताकि आपको समझ में आ जाए कि किन किन चीजों का आपको फॉर्म भरते समय ध्यान में चीजें रखनी। 12 मई 2023 जो है वो लास्ट डेट एग्जाम फिल करने की जो है वो रखी गई है। 17 पोस्ट को लेके जो नोटिफिकेशन है वो जारी किया गया है। 17 वैकेंसी हिमाचल के कंटेक्स्ट में अगर देखा जाए तो काफी ज्यादा है, जिसमें से 7 अनरिजर्व है, बाकी सारी रिजर्व कैटेगरीज के लिए सीट्स रखी गई है। द नेक्स्ट थिंग इज, आपको जो एचपी पब्लिक सर्विस कमीशन का जो ऑनलाइन पोर्टल है, जहाँ पे आप अपना फॉर्म फिलअप करेंगे, तो उसी पोर्टल में ही आपको इस बार डॉक्यूमेंट्स अपलोड करने हैं। डॉक्यूमेंट्स की हार्ड कॉपी इस बार भेजने की आवश्यकता नहीं है, पहले आपको वो भेजना होता था 2019 में जब पेपर हुए, या उससे पहले, लेकिन इस बार थोड़ा सा ट्रेंड बदला है। आपको अपने सारे के सारे डॉक्यूमेंट्स पोर्टल पे ही अपलोड करने हैं। कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स पोर्टल पे अपलोड करने हैं वो लिखा गया है कि मैट्रिक का जो सर्टिफिकेट आपका, 10वीं का सर्टिफिकेट, 10th का, आपको वो अपलोड करना है एज प्रूफ के लिए। आपके पास अगर एलएलबी की जो भी सेमेस्टर की या ईयर की मार्कशीट्स है, उन मार्कशीट्स को आपको अपलोड करना है। अगर कोई कंसोलिडेटेड मार्कशीट है तो कंसोलिडेटेड मार्कशीट आप अपलोड कर दीजिए। अगर कंसोलिडेटेड मार्कशीट नहीं है तो सारे सेमेस्टर की आपको मार्कशीट्स लगानी पड़ेंगी। और इसके अलावा आप प्रोविजनल सर्टिफिकेट जो है, आपकी डिग्री जो है, वो आप लगा सकते हैं। इसी के साथ साथ अगर आप कोई रिजर्व क्लास को बिलोंग करते हैं, शेड्यूल कास्ट, शेड्यूल ट्राइब या ओबीसी को आप बिलोंग करते हैं, तो आपकी कैटेगरी का जो सर्टिफिकेट है वो सर्टिफिकेट आपको साथ में अपलोड करना है, अदरवाइज आपका फॉर्म रिजेक्ट हो सकता है। फॉर्म की जो कैटेगरी का जो सर्टिफिकेट है उसका परफॉर्मा कौन सा होगा, तो यहीं पे लिखा गया है, इट शुड बी ऑन द परफॉर्मा प्रिस्क्राइब्ड बाय द गवर्नमेंट ऑफ एचपी। से जो दिया जाता है उसी परफॉर्मा पे आपको अपना कैटेगरी का सर्टिफिकेट बनवाना है। कोई भी व्यक्ति जो रिजर्व क्लास की कैटेगरी को बिलोंग करता है, उसको अपना बोनाफाइडी हिमाचली सर्टिफिकेट जो है वो भी साथ में लगाना है। बिकॉज उसको अगर आप नहीं लगाओगे तो आपको आपका फॉर्म रिजेक्ट भी हो सकता है, और साथ में आपको जो कैटेगरी का जो बेनिफिट मिल सकता है आप उसको नहीं ले पाएंगे, तो बोनाफाइडी सर्टिफिकेट साथ में लगेगा। इसके साथ साथ एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज है कि क्रेडेंशियल सर्टिफिकेट आप जो है वो साथ में जरूर अटैच करें। स्कैंड कॉपी आपको क्रेडेंशियल सर्टिफिकेट की आपको अटैच करनी है। तो क्रेडेंशियल सर्टिफिकेट इसी नोटिफिकेशन के लास्ट में अगर आप देखें तो क्रेडेंशियल सर्टिफिकेट का परफॉर्मा आपको मिल जाएगा, जिसमें किसी दूसरे व्यक्ति से आपका घर का कोई व्यक्ति नहीं होना चाहिए, आपका फैमिली मेंबर नहीं होना चाहिए, कोई एक्स वाई जेड व्यक्ति से आप इस फॉर्म को भरवाएंगे, जिसमें ये सर्टिफाई वो व्यक्ति करेगा कि वो आपको जानता है, और वो व्यक्ति अपने सिग्नेचर, अपना नाम और अपना एड्रेस जो है वो यहाँ पे लिखेगा। तो इस फॉर्म को बड़ा ध्यान से आप लोगों ने भरना है। तो यहाँ पे लिखा जाएगा दैट वो व्यक्ति जिससे भी आप ये फॉर्म भरवा रहे हैं, वो व्यक्ति लिखेगा दैट आई हैव नोन टू, यहाँ पे आपका नाम आएगा, इट इज योर नेम, वट एवर योर नेम इज, एक्स वाई जेड, ठीक है, जो भी आपका नाम है वो यहाँ पे लिख के, सन एंड डॉटर ऑफ सो एंड सो पर्सन फ्रॉम लास्ट सो एंड सो ईयर, इतने सालों से वो व्यक्ति आपको जानता है, वो यहाँ पे लिख के इसके नीचे वो व्यक्ति अपने सिग्नेचर्स करेगा। तो जो भी वो व्यक्ति है जिससे आप क्रेडेंशियल सर्टिफिकेट भरवा रहे हैं, वो व्यक्ति यहाँ पे अपने सिग्नेचर करके, अपना नाम लिख के, अपना एड्रेस जो है वो लिख के आपको ये सर्टिफिकेट दे देगा। तो आपको इस सर्टिफिकेट की स्कैंड कॉपी जो है, स्कैंड कॉपी, उसका पीडीएफ बना के वो अपलोड करना है, और आपको ये क्रेडेंशियल सर्टिफिकेट दो लोगों से भरवाना है, और दो लोगों से ये सर्टिफिकेट भरवा के आपको अपलोड करना है। नाउ द नेक्स्ट थिंग इज, इसको बड़ा डिटेल में आप लोग क्रेडेंशियल सर्टिफिकेट को जब भरोगे तो ध्यान से आप इसको भरना। नंबर टू, जब एप्लीकेशन फॉर्म आप ऑनलाइन भर रहे होंगे तो वहां पे भी किस व्यक्ति का क्रेडेंशियल सर्टिफिकेट आपने लिया है, किस व्यक्ति से आपने वो लिया है, उस व्यक्ति का नाम, फोन नंबर और उसका जो भी कंसर्न रेजिडेंशियल एड्रेस है वो आपको वहां पे भी लिखना पड़ता है, क्योंकि इन फ्यूचर अगर आपका सिलेक्शन हो जाता है तो क्रेडेंशियल सर्टिफिकेट जिस व्यक्ति ने दिया होगा तो उससे वेरिफिकेशन जो है वो करवाई जाती है। तो ये पूरा प्रोसेस है क्रेडेंशियल सर्टिफिकेट का। स्कैंड कॉपी मैंने आपको बताया, वो आपको लगानी है। दो टू रिस्पेक्टेबल पर्सन विच आर अनकनेक्टेड विद द कैंडिडेट, उनसे आपको ये भरवाना है। नाउ द नेक्स्ट थिंग इज, असेंशियल क्वालिफिकेशन आपकी क्या है, तो यू मस्ट बी अ डिग्री होल्डर ऑफ लॉ। एज लिमिट आपकी 22 से लेके 35 साल के बीच में होनी चाहिए। अगर आप 35 से ऊपर हैं तो आप एलिजिबल नहीं है।
अगर आप शेड्यूल कास्ट, शेड्यूल ट्राइब या ओबीसी कैटेगरी को बिलोंग करते हैं तो आपको 3 साल का रिलैक्सेशन पीरियड मिलता है। लाइक आपके फिर अगर एज 30 ईयर्स से कम है तो आप एग्जाम भरने के लिए एलिजिबल हैं। इसी के साथ साथ कुछ और चीजें जो बड़ी इंपॉर्टेंट हैं एज फार एज द एचपीजीएस इज कंसर्न, तो पोर्टल के बारे में तो मैंने आपको बता दिया। आप जब एचपी पब्लिक सर्विस कमीशन के ऑनलाइन पोर्टल पे जाएंगे वहां पे सारी चीजें जो हैं वो बताई गई हैं कि कैसे कैसे आपको भरना है। अगर आप फर्स्ट टाइमर हो तो आपको इनिशियल स्टेज से ही सारी चीजें फिलअप करनी है, और अगर आपने पहले कभी रजिस्टर करवा रखा है एचपीपीएससी की वेबसाइट पे तो आपके डॉक्यूमेंट्स ऑलरेडी वहां पे अपलोडेड आपको मिल जाएंगे। नाउ द नेक्स्ट थिंग इज जनरल कैटेगरी के लिए जो फीस है वो 400 रुपये है, और कोई और स्टेट का अगर कोई व्यक्ति आता है उसके लिए भी 400 रुपये है। शेड्यूल कास्ट ऑफ एचपी, शेड्यूल ट्राइब ऑफ एचपी, ओबीसी ऑफ एचपी और ओबीसी कैंडिडेट्स के लिए, ईडब्ल्यूएस कैंडिडेट्स के लिए या बीपीएल से अंदर कोई भी व्यक्ति अगर फॉल करता है तो उनके लिए फीस जो है ये कॉलम नंबर 3 के अंदर जो लोग फॉल कर रहे हैं उनके लिए फीस 100 रुपया रहेगी। जो व्यक्ति एक्स सर्विसमैन ऑफ एचपी है और सर्विसमैन ऑफ एचपी और जिन्होंने पूरी नौकरी अपनी डिफेंस में करने के बाद वहां से जो रिलीव हुए हैं, या फिर जो महिलाएं हैं फीमेल कैंडिडेट्स हैं उनके लिए कोई फीस नहीं है। नो फीस इज एप्लीकेबल इन द केस ऑफ फीमेल कैंडिडेट। इसके साथ साथ कुछ और चीजें बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है एज फार एज द कंसर्न नोटिफिकेशन इज देयर, ताकि आप लोग गलती ना करें तो इन चीजों का ध्यान रखना है। अब इसके बाद में तो इसके बाद हम जो है सिलेबस पे एक बार देख लेते हैं कि सिलेबस में इस बार क्या स्कीम ऑफ एग्जामिनेशन जो है वो क्या है। तो प्रीलिम्स एग्जामिनेशन अगेन आपका सिविल लॉ 1, सिविल लॉ 2 और क्रिमिनल लॉ जो पेपर हमारे होते हैं वही है। 100 मार्क्स ईच पेपर विल बी देयर। लाइक सिविल लॉ 1 विल बी ऑफ 100 मार्क्स, सिविल लॉ 2 विल ऑल्सो बी ऑफ 100 मार्क्स और क्रिमिनल लॉ का पेपर भी आपका 100 मार्क्स का होगा। लेकिन एक पैटर्न इस बार बदला गया है। 2019 से पहले जितने भी हिमाचल के पेपर हुए हैं आप अगर प्रीवियस ईयर पेपर को फॉलो करते हैं तो आपको मिलेगा कि सिविल लॉ 1 में, सिविल लॉ 2 में या क्रिमिनल लॉ में प्रीलिम्स के पेपर में 50 क्वेश्चन पूछे जाते थे और हर क्वेश्चन को 2 नंबर की वेटेज से देखा जाता था और 100 नंबर का पेपर होता था। लेकिन इस बार पब्लिक सर्विस कमीशन ने ये पैटर्न बदल दिया है। इट इज अगेन वेरी इंपॉर्टेंट बिकॉज नाउ द क्वेश्चन विल बी 100 ऑब्जेक्टिव मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन विल बी देयर, 100 एमसीक्यूज विल बी देयर इन ईच पेपर और हर क्वेश्चन का जो जो इवेल्युएशन है, जो मार्किंग है वो 1 नंबर के हिसाब से रखी गई है। तो इसका मतलब आपको अब सिविल लॉ 1 में 100 क्वेश्चन आएंगे, सिविल लॉ 2 में भी 100 क्वेश्चन आएंगे और क्रिमिनल लॉ के पेपर भी 100 क्वेश्चन विल बी देयर दिस टाइम, जो इससे पहले हिमाचल में कभी नहीं हुआ। सो इट इज अगेन अ वेरी इंपॉर्टेंट अपडेट एज फार एज द एचपीजीएस इज कंसर्न। बाकी जो जो दो चीजें बड़ी इंपॉर्टेंट हैं, प्रीलिम्स का जो पेपर है वो 9 जुलाई 2023 को कंडक्ट होगा। 9th of July 2023 इज द डेट व्हेन द प्रीलिम्स एग्जामिनेशन विल बी देयर। तो डेट शीट जब 9 जुलाई की जब आ जाएगी कि कौन सा पेपर कितने बजे है, जो टाइम टेबल अलॉट किया जाएगा तो उस दौरान ये क्लियर होगा कि सिविल लॉ 1 के लिए कितना टाइम दिया जा रहा है, सिविल लॉ 2 के लिए कितना टाइम दिया जा रहा है। सो वो सारी चीजें हैं। नेगेटिव मार्किंग हिमाचल में नहीं है, देयर इज नो नेगेटिव मार्किंग इन द प्रीलिम्स एग्जाम एज फार एज द हिमाचल इज कंसर्न। नाउ नंबर टू, आपके सेंटर्स 3 जगह हैं, अगेन इन शिमला, मंडी एंड धर्मशाला, 3 जगह आपके सेंटर्स रहेंगे। जितने भी लोग प्रीलिम्स क्वालिफाई करेंगे 20 टाइम्स, तो अंदाजन अंदाजन आप लगा लीजिए कि अगर 7 लोग अनरिजर्व कैटेगरी में हैं, 7 पीपल आर देयर, तो 20 टाइम्स जो हैं अप्रोक्सीमेटली 140 लोग मेंस एग्जामिनेशन देने के लिए अनरिजर्व कैटेगरी के लिए बैठेंगे और सेम जो पैटर्न है बाकी कैटेगरीज के लिए भी रहेगा। नाउ द नेक्स्ट थिंग इज कि पैटर्न में और क्या बदलाव हुआ है इस बार। ठीक है, सबसे पहली चीज की जहां तक सिलेबस की बात है, सिलेबस में भी कुछ एक चेंजेस हैं जो हमने पहले ही आपके साथ कई बार डिस्कस कर लिया। यूट्यूब पे वो सारे वीडियोज हमारे पास हमारे चैनल पे अवेलेबल है। तो पेपर 1 में जो आपका सिविल लॉ 1 का मेंस का पेपर होगा तो इसमें सीपीसी, इंडियन एविडेंस एक्ट और अगला जो एक इम्पोर्टेंट अपडेट है वो है हिमाचल प्रदेश स्टैम्प्स एक्ट। तो इससे पहले जो भी नोटिफिकेशन आते थे हिमाचल जुडिशियल सर्विसेज को लेके उसमें केवल इंडियन स्टैम्प एक्ट लिखा जाता था, लेकिन अब ये हिमाचल प्रदेश स्टैम्प एक्ट है और हिमाचल प्रदेश स्टैम्प एक्ट को लेके जो भी हिमाचल के अमेंडमेंट्स है उनका आपको खास ध्यान रखना है। हिमाचल प्रदेश का कोर्ट सेक्ट है और स्पेसिफिक रिलीफ एक्ट जो है ये पेपर 1 के अंदर है, सिविल लॉ 1 के अंदर। पेपर 2 में आपका इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट, हिंदू लॉ,
लिमिटेशन एक्ट, ट्रांसफर ऑफ प्रॉपर्टी एक्ट और एचपी अर्बन रेंट कंट्रोल एक्ट जो है, यहाँ से सवाल आएंगे। द नेक्स्ट थिंग इज क्रिमिनल लॉ में बहुत बड़ा बदलाव हुआ है, बहुत बड़ा बदलाव है, बिकॉज हमने आपके साथ पहले ही 31 जनवरी 2023 के एचपी हाई कोर्ट के एक नोटिफिकेशन के बारे में डिस्कशन किया था और आपको सारी वो चीजें समझाई गई थी कि हिमाचल के पैटर्न में क्या बदलाव हुआ है। और हम लोग ए प्लस लॉ अकेडमी की तरफ से कोशिश करते हैं कि आप लोगों को जितना जल्दी अपडेट दिया जा सके उतना जल्दी हम आप लोगों को वो चीज पहुंचाएं, और अगर वो पहले नहीं बताया गया होता तो आप लोगों के लिए बहुत बड़ा सरप्राइज था। लेकिन अब क्योंकि हिमाचल प्रदेश में क्रिमिनल लॉ में ऑलरेडी, क्योंकि वो अमेंडमेंट हमने आपके सामने पहले ही डिस्क्लोज कर दिया था, बहुत सारे लोगों को जिनको ये नहीं पता था उनको अब नोटिफिकेशन आने पे पता लगा है, तो इट इज अ बिग चेंज कि हिमाचल में अब आईपीसी, सीआरपीसी, नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट एक्ट 138 से लेके 143 तक, एक्साइज एक्ट, वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन और फॉरेस्ट एक्ट के साथ साथ जुडिशियल सेंसिटिविटी को लेके कुछ एक एडिशनल टॉपिक्स रखे गए हैं, जिसमें लेटेस्ट गाइडलाइंस एंड डायरेक्शंस ऑफ ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट, जेंडर स्टीरियोटाइपिंग व्हिच अंडरमाइंस द वुमेन्स एक्सेस इन द जस्टिस इन सेक्सुअल ऑफेंसेस केसेस, हाउ जेंडर जुडिशियल जेंडर स्टीरियोटाइपिंग इज टू बी अवॉइडेड, जुडिशियल अप्रोच इन द ऑफेंसेस अगेंस्ट वुमेन, साइबर क्राइम जो है महिलाओं के अगेंस्ट उनमें जुडिशियल अप्रोच कैसी होनी चाहिए, व्हाट इज द रोल ऑफ जज व्हाइल प्रोटेक्टिंग द विक्टिम इन जुडिशियल प्रोसेस, अकाउंटेबिलिटी एंड स्टैंडर्ड ऑफ कंडक्ट व्हाइल डीलिंग विद द सेक्सुअल ऑफेंसेस, इंपॉर्टेंस एंड द मीनिंग ऑफ जेंडर सेंसिटिविटी, इनकॉर्पोरेटिंग जेंडर पर्सपेक्टिव इनटू द डिसीजन मेकिंग, कॉन्स्टिट्यूशनल एंड स्टैट्यूटरी प्रोविजंस, पॉक्सो से रिलेटेड आपको चीजें पूछी जाएंगी कि जुडिशरी का अप्रोच पॉक्सो से रिलेटेड केसेस में कैसे होगा, क्रेडिबिलिटी ऑफ द विक्टिम स्टेटमेंट इन द सेक्सुअल ऑफेंसेस, प्रोविजन सेंटेंस के प्रोविजन क्या क्या है। इसी के साथ साथ आगे लिखा गया है कि ऊपर जितने भी कानून लिखे गए हैं या जो टॉपिक्स लिखे हैं उसके साथ साथ हम कुछ नए लॉज ऐड कर रहे हैं, बिसाइड्स अबव द फॉलोइंग एक्ट्स और प्रोविजंस आर इंक्लूडेड, जिसमें आपका पॉक्सो प्रोटेक्शन ऑफ चाइल्ड फ्रॉम सेक्सुअल ऑफेंसेस एक्ट, जुवेनाइल जस्टिस एक्ट, डोमेस्टिक वायलेंस एक्ट, प्री कंसेप्शन प्री नेटल डायग्नोस्टिक टेक्निक एक्ट, सेक्सुअल हरासमेंट एक्ट, इसके साथ साथ सीसीएस रूल्स फॉर प्रोहिबिशन ऑफ सेक्सुअल हरासमेंट एट वर्क प्लेस, डिस्क्रिमिनेशन एंड हरासमेंट ऑफ वुमेन एट वर्क प्लेस, एंड राइट्स ऑफ डिग्निटी ऑफ द वुमेन एट वर्क प्लेस, कॉन्स्टिट्यूशनल गाइडलाइंस जो विशाखा की केस में बताई गई, बैंगलोर प्रिंसिपल ऑफ जुडिशियल कंडक्ट क्या है, और बैंकॉक जनरल गाइडलाइंस फॉर जजेस ऑन अप्लाइंग द जेंडर पर्सपेक्टिव इन साउथ ईस्ट एशिया, ये सारी चीजें क्या हैं। तो जैसे कि मैंने आपको पहले ही बताया कि हम लोग ये सारी चीजें पहले भी आपके साथ डिस्कस कर चुके हैं दूसरे वीडियो में कि क्या क्या चेंजेस हुए थे, और हम लोगों ने ए प्लस लॉ अकेडमी में ऑलरेडी ये सारे ही लगभग टॉपिक्स हमारे कवर हो चुके हैं, कुछ एक टॉपिक्स अभी रिमेनिंग है एक दो सब्जेक्ट को लेके, लेकिन लगभग 85% काम जो है हम लोग ऑलरेडी कर चुके हैं। सारे के सारे जो जो टॉपिक्स हैं, जो ये नए लॉज हैं जिसमें पॉक्सो, डोमेस्टिक वायलेंस, आपका प्रिवेंशन ऑफ सेक्सुअल हरासमेंट एक्ट, ये सारी चीजें हम लोग सेशंस लगा चुके हैं। बहुत सारे ऐसे लोग होंगे जिनको इन सेशंस की रिक्वायरमेंट है, तो आप लोग डिस्क्रिप्शन पे लिंक दिया गया है, एप्लीकेशन का लिंक मिल रहा होगा आपको, तो हमारी ए प्लस लॉ अकेडमी या ए प्लस जुडिशियल अकेडमी के नाम से प्ले स्टोर पे एप्लीकेशन अवेलेबल है, वहां पे आपको ये सारा कोर्स जो है हिमाचल में जो एडिशनल सब्जेक्ट्स है वो सारा का सारा मिल जाएगा। उसके साथ साथ अगर किसी भी कैंडिडेट को, किसी एस्पिरेंट को हिमाचल के माइनर लॉज चाहिए तो माइनर लॉज का भी कंप्लीट कोर्स अवेलेबल है, एग्जॉस्टिव फाउंडेशन कोर्स भी अवेलेबल है, तो आप लोगों को जो भी रिक्वायरमेंट है आप उसके हिसाब से एप्लीकेशन डाउनलोड करके उस कोर्स को वहां से जरूर एक्सेस कर सकते हैं। चीज समझा देता हूँ कि आप लोगों को उस कोर्स में क्या क्या मिल जाएगा, तो लेटेस्ट गाइडलाइंस फॉर बेल एंड अरेस्ट आपको मिल जाएगा, जेंडर स्टीरियोटाइपिंग का क्या कॉन्सेप्ट है वो आपको मिल जाएगा, रोल ऑफ जुडिशरी इन द प्रोटेक्शन ऑफ विक्टिम्स मिल जाएगा, क्रेडिबिलिटी ऑफ विक्टिम स्टेटमेंट आ जाएगा, रोल ऑफ जुडिशरी इन द सेक्सुअल अब्यूज केसेस आ जाएगा, रोल ऑफ जुडिशरी इन सेक्सुअल ऑफेंसेस दो पार्ट्स में बनाया गया है, यू यू कैन सी दैट, सीसीएस के रूल्स क्या हैं, गाइडलाइंस ऑफ विशाखा की केस में क्या गाइडलाइंस है, वो सारी चीजें आपको मिल जाएंगी, साइबर क्राइम्स विच आर वुमेन सेंट्रिक उनमें क्या क्या चीजें आती हैं, सेक्सुअल हरासमेंट एक्ट को लेके पूरा का पूरा लॉ हम डिस्कस कर चुके हैं, पॉक्सो को लेके पूरा लॉ कर चुके हैं, डोमेस्टिक वायलेंस भी वहां पे कवर हो चुका है, और जो बाकी का रिमेनिंग एरिया है वो बहुत थोड़ा सा बचता है, एंड दैट ऑल्सो विल बी कवर्ड इन द अपकमिंग डेज। तो इस तरीके से आपको वो सारा का सारा कोर्स ही मिल जाता है, जिसमें आपको अब इन एडिशनल सब्जेक्ट से घबराने की कोई जरूरत नहीं है, पैनिक करने की कोई आवश्यकता नहीं है, एवरीथिंग इज देयर,
व्हाट यू हैव टू डू, आप सिर्फ एप्लीकेशन का लिंक आपको मिल रहा होगा डिस्क्रिप्शन पे, आप इमीडिएटली उसको ओपन करें, अपने आप को रजिस्टर करें, स्टूडेंट के नाते आप रजिस्टर करेंगे, वहां पे दो ऑप्शन आते हैं पेरेंट और स्टूडेंट, पेरेंट करके साइन इन मत कर लेना गलती से, स्टूडेंट की तरह साइन इन करना, कोर्सेज में स्टोर ऑप्शन होगा एक, पहले स्टोर ऑप्शन में जाके यू विल गेट द कोर्स, और वहां पे ये कोर्स आपको दिख जाएगा, वहां से आप इसको लेके जो जो लेक्चर है आप इसको ले सकते हैं, इसके साथ साथ नोट्स भी आपको वहीं पे मिल जाएंगे। सो वी हैव डन एवरीथिंग, और हमने हमारे स्टूडेंट्स ने तो ऑलरेडी ये कवर कर लिया है, लेकिन जितने भी नए नए कैंडिडेट्स इस वीडियो के माध्यम से हमारे साथ जुड़ रहे हैं, तो आप लोग भी उन नोट्स को जरूर एक्सेस कर लें। सो एक तो ये बहुत इंपॉर्टेंट अपडेट है, दूसरा जहां तक अब आपकी प्रिपरेशन की बात है, तो देखो अप्रोक्सीमेटली हमारे पास 70 to 75 days हैं प्रीलिम्स एग्जामिनेशन के लिए, तो अब आपको प्रीलिम्स के लिए या मेंस के लिए जो 100 दिन के अंदर आपका आ जाएगा, तो टेस्ट सीरीज भी अगर आप फॉलो करना चाहते हैं तो उसको लेके भी यू कैन गेट द गाइडेंस फ्रॉम द अकेडमी, हमारी टीम आपको सारी चीजें इन्फॉर्म कर देगी, और सारी चीजों को फॉलो अप जरूर करिए। तो ये सारी चीजें जितने भी हमारी इस नोटिफिकेशन को लेके हमने आपके सामने रखी हैं, इनका ध्यान रखिएगा, फॉर्म को ध्यान से भरिएगा, बिकॉज देखो बहुत बार फॉर्म रिजेक्ट हो जाते हैं कैंडिडेट्स के किसी कारणवश, तो वो चीजें ना हो, और अच्छे से तैयारी करिए। तो जितने भी लोग फर्स्ट टाइम हमारे इस वीडियो को चैनल पे देख रहे हैं, वो काइंडली चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और वीडियो को शेयर जरूर कर दीजिएगा। सो इसी के साथ साथ थैंक यू सो मच, आपको कोई अगर और नया अपडेट होगा हिमाचल जुडिशियल सर्विस को लेके तो वो भी हम आपको अपडेट कर देंगे। बाकी इसी के साथ साथ थैंक यू सो मच टू एवरीवन, इस वीडियो को एंड तक देखने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया, धन्यवाद।